गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल 2.0 में। और दोस्तों आज है 11 सितंबर 2021 और आज है सैटरडे। तो आज केमिकल ब्रांच के जो भी बच्चे थे दोस्तों उनका एग्जाम था MOS का, ठीक है। तो दोस्तों उसी की आंसर की मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ, तो जल्दी से देख लीजिएगा आपने कितने क्वेश्चन राइट और कितने दोस्तों रॉन्ग किए हैं, ठीक है। और इसके पहले जो आपके एग्जाम हो गए हैं उनकी आंसर की अगर आपको चाहिए तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपका जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन काटने की मशीन नहीं है, ठीक है। दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। आप एक बार फिर से देख लीजिएगा, इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ट्यूब मिल, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों? पहले क्वेश्चन का आपका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी सही हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी काटने की मशीन नहीं है। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है, महीन सामग्री के आकार के लिए सबसे उपयुक्त उपकरण है। तो इसमें दोस्तों आपका क्या होता है दोस्तों? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, वाइब्रेटिंग स्क्रीन, ठीक है। क्या दोस्तों? वाइब्रेटिंग स्क्रीन आपके दूसरे क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कहा गया एक प्रोपेलर जो एजिटेटर होता है उसमें क्या, तो आपका जैसे दिया गया है तो इसमें दोस्तों आपका ऑप्शन डी रहेगा करेक्ट, यानी प्रोड्यूस मेनली एक्सियल फ्लो, ठीक है, मुख्य रूप से अक्षीय प्रवाह कम होना। ऑप्शन डी दोस्तों आपका करेक्ट रहेगा, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन फोर है, 25 सेंटीमीटर का फीड आकार स्वीकार किया जाता है, ठीक है। तो कहाँ देखिएगा, ऑप्शन दिए गए हैं आपका दोस्तों, ये आपका जौ कैंसर में यूज़ किया जाता है, यानी जबड़ा कैंसर जो होता है आपका उसमें यूज़ किया जाता है। दोस्तों देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, एक पेपर मिल में पानी को फिल्टर करने के लिए स्पेस फिल्टर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों इसका आपका ऑप्शन रहेगा दोस्तों ऑप्शन डी, ओपन सैंड, ठीक है, खुली रेत, इसका उपयोग हम करते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन 6 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण रिटिंगर का पेराइनियम, मैंने कल आपको बताया था, ठीक है, क्या था? ऑप्शन बी, PM = K1/dV - 1/dA, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक बेल्ट कन्वेयर का अधिकतम ढलान हो सकता है, तो ये भी बताया था 30 डिग्री, कितना दोस्तों? 30 डिग्री, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 8 है, कहा गया निम्न में से किसी मैकेनिकल ऑपरेशन के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन दोस्तों कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन बी, ठीक है, ह्यूमिडिफिकेशन, ठीक है, आर्द्रीकरण, ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन 9, और कहा गया है रिटिंगर का पेराइनियम क्या कहता है, तो ये भी मैं आपको बताया था कल, ठीक है। अगर आपने देखा होगा वीडियो जो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आपको क्या है प्रोवाइड कराया था एक वीडियो कल, तो उसमें आपने देखा होगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट रहेगा, वर्क रिक्वायर्ड इज क्रशिंग इन प्रोपोर्शनल टू द न्यू सरफेस क्रिएटेड, ठीक है। अब दोस्तों देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 10 दिया गया, इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया किक का नियम संबंधित है, तो ये भी मैं बताया था। ये दोस्तों किससे संबंधित है? ये है एनर्जी कंजम्पशन से। किससे दोस्तों? एनर्जी कंजम्पशन से, यानी ऊर्जा खपत से, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 11, कहा गया जबड़ा कैंसर में प्रयुक्त आकार घटने की क्रिया विधि क्या है, ठीक है। तो देखिएगा इसमें दोस्तों आपका कंप्रेसिंग हो जाएगा, यानी संपीड़न, ठीक है। क्या है? संपीड़न, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12, और क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कि ग्रिजलीज का उपयोग स्पेस ठोस पदार्थों को अलग करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों किसके ऐसे? बारीक, ठीक है दोस्तों, बारीक यानी फाइन। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पैडल एजिटेटर क्या है, तो आगे आपका देखिए इसका उपयोग होता है प्रोड्यूस एक्सियल फ्लो, किसके लिए? अक्षीय प्रवाह पैदा करने के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, अति सूक्ष्म कणों के परिवहन के लिए, ठीक है, अब आप पढ़ लीजिएगा इसको एक बार फिर से, अति सूक्ष्म कणों के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण एक क्या है? स्पेस कन्वेयर है। तो आपका दोस्तों इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, YVA, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों? YVA, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है पेंच कन्वेयर है, तो इसमें भी आपका दोस्तों ऑप्शन डी ही करेक्ट रहेगा, ऑल ओवर, ठीक है। इस क्वेश्चन को दोस्तों अगर आप में कोई डाउट है तो प्लीज़ ज़रूर पूछिएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का, क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, बॉल मिल का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो दोस्तों किसके लिए? ग्राइंडिंग के लिए, ठीक है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? कॉर्स ग्राइंडिंग, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब दोस्तों देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है किर्सिंग के नियमों में प्रयुक्त स्थिरांक KB, KR, KR बॉन्ड का नियम है, और रिटिंगर का नियम और किक का नियम किस पर निर्भर करता है, तो ये किस पर? दोनों पर। किस पर दोस्तों? दोनों पर, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, बोथ ए और बी, ठीक है, बोथ ए और बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों अगला दोस्तों देखिएगा,
क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया गया है, कहा गया कठोर चट्टान की प्रारंभिक टूटने के लिए हम उपयोग करते हैं, तो प्रथम प्रकार के संलग्न जिसमें हम लोगों का दोस्तों क्या होता है गायरेट्री केसर जो रहता है वो हमारा प्रथम प्रकार का संलग्न है, ठीक है, ये भी मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूँ, ठीक है, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो वहाँ आपको जरूर मिला होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है शुष्क चूर्णयुक्त ठोस पदार्थों का परिवहन एक स्पेस कन्वेयर द्वारा किया जाता है, ठीक है, तो किसके द्वारा दोस्तों, स्क्रू, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, किसके द्वारा, स्क्रू के द्वारा, तो आपका यहाँ से ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 दोस्तों दिया गया है टॉमेल्स कणों के मिश्रण को अलग करते हैं जो उनके स्पेस पर निर्भर करते हैं, किस पर दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों नमनीयता, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, वेटेबिलिटी जो होता है आपका नमनीयता वो आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 21 कठोर ठोस पदार्थों के मोटे अपचय के लिए विधि उपयोग करते हैं कौन सी, तो कंप्रेशन, यानी कि दोस्तों ऑप्शन सी संपीड़न आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है मानक स्क्रीन में हमेशा स्पेस एपचर होते हैं, ठीक है, तो दोस्तों ये आपके रहते हैं स्क्वायर शेप के, यानी कि वर्गाकार, ठीक है, क्या दोस्तों ऑप्शन आपका सी यहां से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, यानी कि वर्गाकार। क्वेश्चन अगला है बॉल मिल की संरचना गति क्रांतिक गति से होनी चाहिए दोस्तों कम, लेस देन, यानी कि कम, ऑप्शन आपका इसमें बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 कहा गया निम्नलिखित में से किसका उपयोग बहुत कठोर ढेलेदार सामग्री के प्राथमिक कृषक के लिए किया जाता है, तो प्राथमिक प्रकार के कृषक का ही हम यूज़ करेंगे, तो इसमें हम लोगों का दोस्तों गायनेट्री कृषक आता है, ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन ही कई बार रिपीट हो रहा है लेकिन अलग अलग तरीके से, ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो जरूर देख लीजिएगा जो भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रोवाइड कराऊँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है तरल एजिटेटर में किस प्रकार के इम्पेलर का उपयोग किया जाता है, प्रवाह समाक्षीय होता है, तो इसमें किसका, टरबाइन, ठीक है, ऑप्शन ए आपका दोस्तों करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का, ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आपके 25 क्वेश्चन और आई होप आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन राइट होंगे, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन राइट और कितने रॉन्ग थे, ठीक है। और दोस्तों इसके पहले जो भी आपके एग्जाम हो गए हैं उनके आंसर की आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है, और भी नॉलेजेबल जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, ठीक है, लिंक आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। और दोस्तों जो भी आपके आगे के एग्जाम हैं उनकी भी आंसर की आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों अप्लाइड मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन भी बहुत जोरदार चल रही है, तो चैनल से आप जरूर जुड़िएगा, ठीक है। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।